आज का राशिफल 5 अप्रैल 2024। आज का पंचांग में उल्लिखित तारीख 5 अप्रैल 2024 को चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का दिन है और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि शुक्रवार दोपहर 1:29 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। इस तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र और साध्य योग का संयोग रहेगा। आज शाम 6:07 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज शुक्रवार सुबह 9:55 तक साध्य योग रहेगा, उसके बाद शुभ योग लग जाएगा। किसी दिन में धनिष्ठा नक्षत्र और साध्य योग का संयोग होगा और क्या होता है? धनिष्ठा नक्षत्र और साध्य योग का संयोग एक विशेष ज्योतिषीय समय होता है जब दोनों के साथ सम्मिलित होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र होता है जो शक्ति, स्थायित्व और सम्मान को संदर्भित करता है। धनिष्ठा नक्षत्र के दिन में किए गए कार्यों का अधिक महत्व होता है और उन्हें सफलता मिलती है। साध्य योग भी एक शुभ योग होता है जो किसी भी कार्य के लिए अनुकूल और फलदायक होता है। इस योग में स्थिति के कारण कार्यों का पूरा होने में सफलता मिलती है और उन्हें अधिक प्रभावी बनाता है। जब धनिष्ठा नक्षत्र और साध्य योग का संयोग होता है तो इसे अच्छे समय के रूप में जाना जाता है, जब किसी भी कार्य को शुरू करना या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना उपयुक्त होता है। इस संयोग में किए गए कार्यों की सफलता की संभावना अधिक होती है और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के वह समय है जो अंतिम निशाने से सूर्योदय तक का होता है। इस समय में वातावरण शांत और प्राकृतिक ऊर्जा उच्च होती है। ध्यान और ध्यान के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, मेधा प्राप्ति, मन की शुद्धि और आत्मा के विकास के लिए ध्यान किया जाता है। ये समय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त का सामयिक आवश्यकता है और ये दिन दिनाचरण में स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। सूर्योदय आज सुबह 4:45 में और सूर्यास्त शाम 6:06 में होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त दो प्रमुख समय हैं जो सूर्य के उदय और अस्त होने का संदर्भ देते हैं। सूर्योदय, सूर्य का उदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाश की पहली किरणें दिखाई देती हैं और दिन की शुरुआत होती है। ये समय सुबह के आरंभ को दर्शाता है और वातावरण को उजागर करता है। सूर्य का उदय व्यक्ति के लिए नई आशा और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना वह समय है जब सूर्य की प्रकाश की आखिरी किरणें दिखाई देती हैं और रात की शुरुआत होती है। ये समय शांति और विश्राम का समय होता है जब लोग अपने दिन के कार्यों को समाप्त करते हैं और ध्यान में लगते हैं। सूर्य का अस्त होना रात्रि के आगमन का संकेत होता है। अमृत काल सुबह 8:37 से 10:04 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:56 से 12:29 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मीन राशि पर है। सूर्य मीन राशि पर होने का फायदा यह है कि मीन राशि के लिए सूर्य का ग्रहण उत्कृष्ट होता है। इसका अर्थ है कि इस समय पर व्यक्ति की आत्मा में उत्तेजना और ध्यान की ऊर्जा बढ़ जाती है। यह विचारशीलता, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। सूर्य मीन राशि में होने से व्यक्ति के मन में शांति और आत्मा की प्रार्थना का उत्तेजना बढ़ता है। इसके अलावा इस समय पर आर्थिक और सामाजिक सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। आज चंद्रमा मकर राशि में मौजूद है। चंद्रमा मकर राशि में होने का फायदा यह है कि इस स्थिति में चंद्रमा की ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। मकर राशि में चंद्रमा स्थिरता, दृढ़ता और संयम का प्रतीक होता है। इस समय पर व्यक्ति के जीवन में कार्यशीलता, स्थिरता और सम्मान की ऊर्जा बढ़ती है। चंद्रमा मकर राशि में होने से लोगों को उत्तम कार्य क्षमता, दृढ़ता और निर्णय की क्षमता मिलती है। ये समय भी धन संबंधी और सामाजिक क्षेत्र में सफलता के लिए अनुकूल होता है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के समर्पित करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के उपायों के माध्यम से लोग आर्थिक समृद्धि, सौभाग्य और सुख शांति की कामना करते हैं। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और समृद्धि की देवी माना जाता है और शुक्रवार को उनकी पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारती है। प्राचीन शास्त्रों में शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इन उपायों में पूजन, दान और ध्यान शामिल होते हैं। लोग शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उन्हें साफ सुथरे मंदिर में स्थापित करते हैं।
पूजा के दौरान साफ सजा ध्वज और धूप दीपक की ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है। विशेष रूप से सफेद रंग के वस्त्रों का दान किया जाता है, क्योंकि सफेद रंग लक्ष्मी जी के प्रिय माने जाते हैं। शुक्रवार के दिन चींटियों और गाय को आटा खिलाने का उपाय भी किया जाता है, जो सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि के लिए माना जाता है। इसके अलावा शुक्रवार को शुद्ध घी का दीपक जलाकर और तुलसी के पौधे की पूजा करके भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। शुक्रवार को पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी की आरती गाई जाती है और उन्हें लाल वस्त्र, लाल बिंदी, सिंदूर, लाल चुन्नी और लाल चूड़ियां अर्पित किए जाते हैं। शंख और घंटी को भी जाप किया जाता है, क्योंकि इनका माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इनमें वास करती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी नारायण का पाठ किया जाता है और पाठ के बाद उन्हें खीर का भोग चढ़ाया जाता है। यहीं तक आपके घर में सुख और समृद्धि की बारिश होती है और माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। कुंडली में शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहले, शुक्र ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने घर में सफेद और हरे रंग की वस्तुओं को ज्यादा रखें। इसके अलावा शुक्रवार को उनकी पूजा करें और उन्हें अर्पित करें। शुक्र मंत्र ओम शिव शुक्राय नमः का जाप करें, जो उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शुक्र की दशा और अंतरदशा में उपाय करने के लिए ग्रहों के शांति के लिए उचित रत्न धारण करें। योग और प्राणायाम का अभ्यास करें, जो आपको शुक्र के गुणों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाकर शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, जो आपके जीवन में सौभाग्य, संपत्ति और प्रेम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहाँ वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 5 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। आपके लिए धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेना शुभ माना जा रहा है, जिससे आप न केवल आत्मानंद महसूस करेंगे बल्कि अपने आप को समृद्धि और संतोष के पथ पर महसूस करेंगे। आपके विरोधी भी आपके साथ मित्र के रूप में रहेंगे, लेकिन सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि कोई धोखा देने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा किसी डील से अच्छा लाभ कमाने में भी आपकी सफलता होने की संभावना है। आपको अपनी सफलता पर घमंड नहीं दिखाना चाहिए और सहयोग की भावना को बनाए रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको तैयार रहना होगा और अपने कामों में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आपको बड़े सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसके अलावा आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। उनकी इच्छाओं को समझने और सम्मान करने के साथ आप उन्हें सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं और उनकी प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं। अच्छे संयोगों के साथ आज का दिन आपको सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों में सफलता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। धैर्य और समर्थता के साथ आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं और साधने के लिए एक सक्षम नेतृत्व भूमिका निभा सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मेष राशि वालों के लिए शिव पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपाय के द्वारा आप भगवान शिव को समर्पित होते हुए अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और अड़चनों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले एक पवित्र और शुद्ध स्थान पर जाएं, जहां आप शिव पूजा कर सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद बेलपत्र को ध्यान से धो ले और उसे शिवलिंग के सामने रखें। अब बेलपत्र के ऊपर वाले पत्र में ओम, बाई वाले पत्र में नमः और दाहिनी वाले पत्र में शिवाय लिखें। इसके बाद बेलपत्र को 108 बार स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर बार मंत्र के जाप के बाद अपनी मनोकामना बोले और इच्छा को भगवान शिव के सामने रखें। इसके बाद बाबा को कर्पूर से आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ध्यान रहे कि पूरे उपाय के दौरान आपका मन शुद्ध और ध्यानावस्था में रहना चाहिए। इस पूजा के द्वारा आप अपनी मनोकामनाओं को साकार करने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख को आमंत्रित कर सकते हैं। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए विभिन्न प्रकार के सुखद परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थियों के लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वे किसी नए कोर्स या पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं, जो उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यापारिक क्षेत्र में भी आपको आज कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है।
आपको यदि किसी यात्रा पर जाने का विचार है तो सुनिश्चित करें कि आप वाहन को सावधानी से चलाते हैं और सुरक्षित रूप से अपनी गतिविधियों को समाप्त करते हैं। जीवन साथी के करियर की कुछ संकेत आपको चिंतित कर सकते हैं और आपको उनके साथ समझौता करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने परिजनों से किसी कानूनी मामले को लेकर बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अधिक काम आपके मन को थोड़ा परेशान रख सकता है और आपकी जिम्मेदारियों की भी बढ़ती विपरीत भावना हो सकती है। इसके बावजूद ये दिन आपके लिए उत्तम संघर्ष और समाधान की संभावना लेकर आता है और आपको सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य और समर्थता के साथ आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और उन्हें आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय में आपको गणपति बप्पा और बजरंग बली को एक साथ लड्डू खिलाने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक पवित्र और शुद्ध स्थान पर जाएं, जहां आप गणपति बप्पा और बजरंग बली की मूर्तियों के सामने खड़े हो सकते हैं। फिर एक बड़े साफ साफ कच्चे दूध के साथ लड्डू ले आएं और उन्हें दोनों देवताओं को प्रस्तुत करें। साथ ही आपको एक केले का फल भी चढ़ाना है। इससे पहले केले को धो लें और फिर उसे बजरंग बली की मूर्ति के सामने रखें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना को बोलें और गणपति बप्पा और बजरंग बली से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार आपके द्वारा प्रदत्त लड्डू और केले का फल उन्हें खुश करेंगे और आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशी लाने में सहायक हो सकता है और आपको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति दे सकता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी होरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए भाग्यशाली होने की संभावना है। आपको आज अपने जीवन साथी के साथ किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करने का अच्छा मौका मिल सकता है। यह आपके रिश्ते को नए आयाम देने का संकेत हो सकता है और आपके पारिवारिक जीवन को स्थिरता और समृद्धि की दिशा में बदल सकता है। आपको आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समेटने के लिए समय निकालें और आवश्यक आहार, व्यायाम और ध्यान का पालन करें। आपको अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपको उनके साथ समय बिताने का और उनके मन में चल रही समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और सहयोगी बनेगा। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं जो आपको वित्तीय सुरक्षा और आय की वृद्धि के लिए मदद कर सकती है। इससे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और आपको आर्थिक स्थिति में स्थिरता मिलेगी। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का उपाय वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो यह उपाय आपको सहायता प्रदान कर सकता है। सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट पर जाना होगा। यहाँ आपको एक दोमुखी आटे का दीपक बनाना होगा। आटे का दीपक बनाने के लिए आटे को धीरे धीरे आधी चौखट की चौड़ाई तक लंबा बनाएं। फिर आपको दीपक के ऊपर थोड़ा सा गुलाल छिड़कना होगा। गुलाल का रंग प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक होता है और इससे आपके दीपक को और भी उत्तेजित करेगा। अब आपको दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के साथ ही आपको मानसिक रूप से आर्थिक हानि को रोकने के लिए निवेदन करना होगा। अपने मन में संकल्प ले कि आप आर्थिक स्थिति में स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करेंगे। इस उपाय को करने से आपका मानसिक और आर्थिक रूप से शुभ वातावरण बनेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम लाने में मदद कर सकता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर होरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए एक मिला जुला दिन होने की संभावना है। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ वाद विवाद से बचना होगा क्योंकि इससे आपको कानूनी मुद्दों में पड़ने का खतरा हो सकता है। साथ ही ससुराल के किसी व्यक्ति से धन उधार न लें क्योंकि इससे आपके पारिवारिक रिश्तों में कटुता आ सकती है। आपको राजनीतिक क्षेत्र में किसी कदम के लिए जा रहे हैं तो पहले उसमें पूरी जानकारी प्राप्त करें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी न हो। परिवार के सदस्यों के साथ आप बैठकर कुछ पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और संभावित विवादों को सुलझा सकते हैं। इसके अलावा आपकी संतान को आज किसी नई नौकरी का मौका मिल सकता है जिससे आपकी चिंता दूर हो सकती है। यह नई नौकरी उनके लिए एक नया संघर्ष का स्रोत बन सकती है और उन्हें आगे बढ़ने का साहस प्राप्त हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। कर्क राशि का उपाय रेमेडी।
कर्क राशि के लोगों के लिए आज का उपाय विशेष रूप से किसी से कोई कार्य करवाने के लिए आचान की मदद और सहायता प्राप्त करने के लिए है। यह उपाय आपको अपनी मनचाही सहायता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको शाम के समय 3 गोमती चक्र, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता लेना होगा। फिर आपको एक छोटे पतीले में देशी घी को गर्म करके उसमें 2 लौंग भिगोकर डालना होगा। इसके बाद आपको मोमबत्ती के साथ 3 गोमती चक्र, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता उस घी में डालना होगा और मोमबत्ती को जलाना होगा। अगले दिन जब ये सभी चीजें जल जाएं, तो आपको जले हुए चीजों की थोड़ी सी राख लेनी होगी। उस राख को उस व्यक्ति के मुख्य द्वार पर छोड़ देना चाहिए जिसके साथ आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं। इस उपाय को करने से पहले आपको अपने मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि आपकी मनचाही सहायता प्राप्त हो। यह उपाय आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है और आपको अनुग्रह और सहायता प्राप्त करने में सफल बना सकता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए खुशनुमा और सकारात्मक होने की संभावना है। रोजगार की तलाश में लगे लोगों के लिए ये दिन काफी शुभ है और उनके सपने पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही परिजनों के सभी सदस्य आपके साथ आव भगत करते हुए नजर आ सकते हैं, जो आपको आनंदित और संतुष्ट करेगा। शून्य आपकी बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को आज गति मिल सकती है, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपकी उत्साहित और उत्तेजित होने की संभावना है। हालांकि आपको वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क और संयमित रहने की आवश्यकता है। अपने प्रतिस्पर्धियों के कार्यों को ध्यान से निगरानी करें और अपनी योजनाओं को संपन्न करने के लिए प्रेरित रहें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। सिंह राशि का उपाय क्रेमरी। सिंह राशि वालों के लिए आज का उपाय आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से फलदायी है। इस उपाय के लिए आपको सूर्यदेव को जल में चावल और काला तिल मिलाकर अर्पित करना है। इसके साथ ही सूर्य बीज मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जप करना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर सूर्य चिन्ह बनाने के लिए लाल चंदन का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए लाल चंदन को पानी में घोलकर एक छोटे पौधे के समान बनाएं और उसे मुख्य द्वार पर लगाएं। ये सूर्य की शक्ति को आपके घर में आने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद कर सकता है और आपको धन संबंधी समस्याओं से निकालकर एक उत्तम वित्तीय स्थिति में स्थिर कर सकता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की ओर दिशा बदलने का संकेत देता है। आपको नए और स्वार्थहीन दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता हो सकती है और आपको अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत हो सकती है। यह एक उत्साहजनक समय है जब आप जीवन में नया कुछ करने की कोशिश में लगे रहेंगे और अपनी क्षमताओं को और बेहतर तरीके से प्रयोग करने के लिए तैयार होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको अपनी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए और किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए। आपके लिए बिजनेस की योजनाएं भी अच्छा लाभ देने की संभावना है, लेकिन आपको अपने भविष्य के लिए सावधानी पूर्वक प्लानिंग करने की आवश्यकता है। यह एक उत्साहजनक समय है जब आपको नए और सकारात्मक स्थितियों की ओर बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन साथ ही सावधानी और स्थिरता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। कन्या राशि का उपाय क्रेमरी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय आर्थिक स्थिति में सुधार और सौभाग्य के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। इस उपाय के तहत आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इसके लिए जल में काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भी अर्घ्य देना चाहिए। यह मंत्र सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। उसके बाद आपको घर के मंदिर में जाना चाहिए और आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये स्तोत्र सूर्यदेव की पूजा और स्तुति में सहायक होता है और आपको उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। अंत में आपको नमक रहित भोजन करने का विशेष संदेश दिया जा रहा है। नमक रहित भोजन करना शांति और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ावा देता है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए एक अवसर लेकर आता है। आपको अपने काम में सावधानी और निर्णय की बौद्धिकता का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।
अपने व्यवसाय में नए कामों या प्रोजेक्ट्स के आरंभ से पहले संपूर्ण जानकारी की जांच करना महत्वपूर्ण होगा। आपको आज किसी पिकनिक या सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका मनोरंजन बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातें और कृतियां अन्यों को किसी तरह की बुराई न पहुंचाएं, क्योंकि इससे आपका विचारशीलता और इमेज प्रभावित हो सकता है। परिवार में आपसी मतभेदों से बचने के लिए संवाद में संवेदनशीलता और समझदारी का प्रयोग करें। इस समय में संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए खुद को संयमित और सहयोगी बनाए रखें। आज के दिन विवाह संबंधित किसी बाधा का समाधान हो सकता है और विवाह संबंधित कामों में प्रगति हो सकती है। यह एक सकारात्मक और सुखद दिन हो सकता है, जिसमें आपको आपके लिए सही और सम्मानजनक निर्णय लेने का मौका मिलेगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग पीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। इस उपाय के तहत आपको जल में गुड़ और घी डालकर अर्पित करना होगा। इसके लिए 1 कप जल में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर अर्पित करें। इस रूप में गुड़ धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, जबकि घी धन की वृद्धि और संपत्ति को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही आपको सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। सूर्य चालीसा सूर्य देव की स्तुति करती है और आपको उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और धन संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह उपाय धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है और आपको आर्थिक स्थिरता और संपत्ति की वृद्धि में सहायता प्रदान कर सकता है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का संकेत दे रहा है। ये कार्यक्रम आपके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है और आपको इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यह आपको आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अगले कदमों की ओर बढ़ने की साहसिकता देगा। आप अपने साथी या संगठन के साथ यात्रा पर जा सकते हैं, जो नए अनुभवों और संवाद का स्रोत प्रदान कर सकती है। माता पिता के साथ बातचीत करना आपको नए काम को लेकर नए मार्ग खोल सकता है और आपकी तरक्की में सहायक हो सकता है। आपकी संतान आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकती है और आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकती है। इस समय में अपनी संतान की चिंता और परिचित जगह से दूर रहने वाले परिजनों के साथ संबंधों में सावधान रहना महत्वपूर्ण हो सकता है। अंत में आपको किसी काम को स्वार्थ में रहकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समस्याओं को बढ़ा सकता है। इस समय में सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना और निर्णय लेना उत्तम होगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग पर्पल। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। इस उपाय में स्नान के लिए पानी में छोटी इलायची डालने की सलाह दी जाती है। इलायची के गुण स्नान को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं और आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। स्नान के बाद आपको माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा से आपके घर में धन और संपत्ति की वृद्धि हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके अलावा आपको घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह धन और समृद्धि का प्रतीक होता है और आपके घर में खुशियों और समृद्धि की वातावरण को बढ़ावा देता है। अंत में आपको एक दीपक जलाना चाहिए और अपनी मनोकामनाओं को बोलना चाहिए। ये दीपक आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने में मदद कर सकता है। इस सभी कार्यों के साथ आप मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः का जप कर सकते हैं। यह मंत्र धन की प्राप्ति और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है और आपको आर्थिक स्थिरता में सहायता प्रदान कर सकता है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत और गतिशील रहने वाला है। यह एक समय हो सकता है जब आपको अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो आपको नए लोगों से मिलने और नई विचारधारा को समझने का अवसर देगा। काम के क्षेत्र में आप पर काम का दबाव अधिक हो सकता है, जिससे आपकी स्थिति में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य और समझदारी से काम करें और किसी भी प्रतिस्पर्धा में नकारात्मकता को समझें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उसे नजरअंदाज न करें और उचित चिकित्सा सहायता लें। आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर अगर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो इस समय में आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।
यह एक अवसर हो सकता है जब आपको अपनी आर्थिक योजना को फिर से विचारने और संरचित करने का समय मिलेगा। इस समय में सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ अपने वित्तीय निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। धनु राशि का उपाय प्रेमली। धनु राशि वालों के लिए आज का उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय में पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने की सलाह दी जाती है। पीपल के पत्ते पर राम राम लिखना हनुमान जी के आराधना में एक प्रमुख तरीका है। पहले आपको पीपल के पत्ते पर राम राम लिखना होगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि लेखन किया गया हर एक पत्ता पवित्रता और आशीर्वाद से भरा हो। इसके बाद आपको इन पत्तों की माला बनानी होगी। आपको 108 पत्तों को माला के रूप में जोड़ना होगा। फिर आपको इस माला को हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए पहनाना होगा। हनुमान जी का पूजन धन समृद्धि और सफलता के लिए किया जाता है। उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपको वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को करने के बाद आपको माला का ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी की कृपा को महसूस करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। आप अपनी मांगों और संदेशों को उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं और उनसे आर्थिक सहायता मांग सकते हैं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए लाभदायक और सकारात्मक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है, लेकिन यह अच्छी तरह से निर्धारित करने के लिए आपको अपने कामों की योजना बनाने और आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। आपको अपने वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक किसी अनपेक्षित घटना का सामना हो सकता है। अपने बिजनेस में आपको सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जो आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेंगे। धन कमाने के चक्कर में आपको सतर्क रहना चाहिए ताकि आप किसी गलत रास्ते पर न जाएं। अपने विरोधियों के साथ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपको पहचान सकते हैं और आपके लिए किसी प्रकार की कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने की संभावना है, जो आपको धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतोष और शांति प्रदान कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मकर राशि का उपाय प्रेमली। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय में गणेश जी की आराधना करने का सुझाव दिया जाता है। गणेश जी विद्या बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक हैं और उनकी आराधना से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होगी। आपको उनकी मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर आपको 21 दूर्वा चराना होगा, जो कि गणेश जी के प्रतीक माने जाते हैं। आपको गणेश जी के सिर पर भी दूर्वा चराना होगा। इसके बाद आपको ओम गम गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। इस मंत्र का जाप करते समय आपको गणेश जी के सामने अपनी मनोकामना का उल्लेख करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अंत में आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपके दुख दूर हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस उपाय को करने के बाद आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से करें। गणेश जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह आपके लिए अच्छे परिणाम और सकारात्मक बदलाव लाने की संभावना है। आपको व्यर्थ वाद विवाद में पड़ने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कुछ होने पर आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने बिजनेस में किसी भी जोखिम का सामना करते समय सतर्क रहें, क्योंकि अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना हो सकती है। आपको किसी भी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और इसे समझबूझ कर हल करने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करने की योजना बना सकते हैं, जो आपको और अधिक सफल बनाने में मदद कर सकता है। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बनाने से पहले ध्यानपूर्वक विचार करें और अपने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखें। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा और उनकी सलाह को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यदि कोई सलाह दी जाती है तो उस पर ध्यान दें और उसे अमल में लाने का प्रयास करें, क्योंकि वह आपके लिए आगे के कामों में उपयोगी साबित हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
इस उपाय में हम शुक्र मंत्र का जाप करने के लिए स्फटिक की माला का उपयोग करेंगे। शुक्र ग्रह विवाह, सुंदरता, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। पहले आपको एक शांत और शुद्ध स्थान पर बैठना चाहिए, जहां आपको कोई भी अव्यवस्था या अशांति की व्यवस्था नहीं हो। उसके बाद आपको स्फटिक की माला को हाथ में लेना चाहिए। माला को ध्यान में रखते हुए आपको 5 बार शुक्र मंत्र का जाप करना होगा। शुक्र मंत्र का जाप शांति और स्थिरता के साथ करें और माला के हर बीड़े को ध्यान से स्पष्ट करें। मंत्र का जाप करते समय अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। इस उपाय को करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से करें। शुक्र मंत्र का जाप करने से आपकी जीवन में सुख, समृद्धि और सामंजस्य आ सकती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से शुक्र ग्रह की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है, जहां आपको कई सकारात्मक और खुशियों भरे अनुभव मिल सकते हैं। जीवन साथी के लिए किसी सरप्राइज गिफ्ट के साथ आना आपके रिश्ते को और भी मधुर बना सकता है। व्यवसाय में आपके फंसे हुए धन को मिलने की संभावना है, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आपको अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों पर जोर देना चाहिए और नए आय के स्रोतों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा और सभी सदस्य एकजुट नजर आएंगे, जो आपके परिवार के बंधनों को मजबूत बना सकता है। पार्टनरशिप में कोई बड़ी डील फाइनल करने से पहले सोच समझकर और सावधानी से समीक्षा करने की आवश्यकता है। आपको अपनी माताजी से किए हुए वादे को पूरा करने का समय आ गया है, जो आपके रिश्तों में संतुलन और समर्थन को बढ़ा सकता है। आज के दिन आपको अपनी तरक्की के नए नए मार्ग खुल सकते हैं, जो आपको और अधिक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 14। आज के लिए शुभ रंग मैरून। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय आपको माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस उपाय में हम माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कुछ आवश्यक चरणों का पालन करेंगे। सबसे पहले आपको एक शांत और पवित्र स्थान चुनना चाहिए, जहां आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कमल के फूल के रूप में अर्पित करना चाहिए। फिर आपको खीर का भोग लगाना चाहिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी के लिए बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भ्यो नमः का जाप करना चाहिए। समय के साथ आरती करें और माता को मनोकामना बोलें। उपाय को पूरा करने के बाद आपको सुबह और शाम में 2 बार शारदा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ये स्त्रोत आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करने में मदद कर सकता है और आपको उच्च सोचने की क्षमता प्रदान कर सकता है। इस उपाय को करने से आप माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि, सुख और सम्मान को बढ़ा सकती है।